हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक से स्वागत करता हूँ दो वीडियो आ चुकी है जाके देख लीजिएगा अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा एक पर्टिकुलर स्टॉक है के जहां पर अच्छी खासी तेजी होती हुई नजर आई है बीस रुपए का तीन सौ रुपए का स्टॉक होता हुआ नजर आया है तो अच्छी खासी तेजी आगे भी होती हुई नजर आ सकती है बट वीडियो को देख लीजिएगा ताकि कोई बहुत सारी चीजें हैं जो क्लियर हो सके इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसे स्टॉक्स की जहां पर अभी तक तेजी नहीं हुई बट वहां पर बहुत जल्दी तेजी होगी और जब तेजी होगी तो मल्टी बैगर रिटर्न बनते हुए नजर आएंगे इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा तो ऐसे शेयर पे हमें क्या करना है ऐसे शेयर पे अब दाव लगाने का मौका आ गया है नीचे गिर चुके हैं अच्छे खासे करेक्ट हो चुके हैं और अगर हम अभी खरीदते हैं तो अच्छा खासा पैसा बनेगा तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं जानते हैं बट उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेलाइकन को हिट कर लीजिएगा तो ऐसे कौन से सेक्टर है उन सभी सेक्टर में से एक एक शेयर में यहाँ पर उठाता हुआ नजर आ रहा हूँ सबसे पहले मैं बात करूंगा हिंदुस्तान यूनिलीवर की हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर मैं बात करूं एफ का दिग्गज और नंबर वन सबसे बड़ा शेयर इंडिया मार्केट में नजर आता है आप यहां पर इनके अगर प्रोडक्ट्स यहां पर इनकी साइट्स पे जाएंगे उनके प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे तो मोस्टली आपके घर में जो यूज होते हैं जो तो डेली वाइज में कितने सारे प्रोडक्ट्स यूज होते होंगे आप खुद यहाँ देख लीजिए यहाँ पर बात करें डव लाइफ बॉय लक्स पियर पियर्सरल ये सारे के सारे इसके जो सोप है वो नजर आते हैं औरल केयर की बात करें तो पेपस्टूडेंट क्लोजअप लीवर आयुष ये सारे के सारे इसके टूथपेस्ट नजर आते हैं हेयर केयर की बात करें तो ट्रस में डब इंडुलेखा लीवर आयुष ऑयल मतलब, नजर आते हैं या शैंपू नजर आते हैं स्किन केयर की बात करें ग्लो ग्लो एंड लवली

होती हुई नजर आई है इसके अलावा हम देखते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कुछ भी यहाँ पर आपको रिटर्न नहीं दिए पिछले दो साल की बात करें तो यहाँ पर मीन बनते रहते हैं अलग अलग ओके बट जब चलना शुरू करता है चलना शुरू करता है वो आपको पता ही है अगर मैं आपको एक साल की बात करूं तो एक साल में आप देखेंगे कि नेगेटिव रिटर्न है अठारह ये शेयर अभी भी यहां पर से डाउन है मोर हैं एटीन और शेयर यहां पर अगर बात करें लगभग दो तक आता हुआ नजर आया था अभी तेईस सौ का हो गया और आने वाले टाइम में और अच्छा रिटर्न यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे तो ये बट मैक्सिम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो जब भी गिरावट हुई है देखिए ये गिरावट पहली बार नहीं है ये गिरावट हर बार हुई है बट जब भी यहां पर गिरावट हुई है तो गिरावट तो थो थोड़ी सी हुई है ओके okay, यहाँ पर भी अगर देखेंगे गिरावट यहाँ अट्ठाईस के बाद 2000 आता हुआ दिखाई दिया ये शेयर पर 2000 के बाद कितना गिरा थोड़ा सा ही गिरा दूसरे शेयर यहां पर 40 50 और 60 होते हुए नजर आए बट यहाँ पर ये यह 2000 तक ही आया और इसके बाद भी अगर देखे, तो दोबारा भागता हुआ नजर आ रहा है और जब ये भागेगा तो आपको यहाँ पर देखिए आता कंसोलिडेशन फेज कंसोलिडेशन से निकलते मल्टीपैगर रिटर्न देगा और यहाँ पर जब मल्टी रिटर्न देगा दो सौ तीन सौ के रिटर्न कहीं नहीं गए और दूसरी बात यहाँ पर देखिए यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है महंगाई बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है या तो ये अपने या फिर यहाँ पर जो दस सौ रुपए की चीज थी वो एक सौ पांच एक सौ दस रुपए की कर दी है तो यहाँ पर प्राइस हाइक हो गया या फिर उनका वेट कम हो गया तो कहीं ना कहीं उस चीज का फायदा किसे मिलेगा कंपनी को मिलेगा क्यों क्योंकि महंगाई तो कम आने वाले टाइम में कम हो जाएगी बट अगर बात करें प्राइस कम नहीं होंगे वेट यहाँ पर ज्यादा नहीं होगा तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिए और ऐसी ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पर प्रोडक्ट में फायदा मिलता हुआ नजर आएगा मार्केट कैप लार्ज कैप है सिक्सटी का पीई है इंडस्ट्री का पी भी लगभग सेम ही है आर ओ सी आर ओ ही बेहतरीन है डेट फ्री कंपनी है क्वार्टरली रिजर्व की बात करें अच्छे खासे नजर आते हैं सेल्स लगातार यहाँ बढ़ रही है यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ रहा है नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस है और यहाँ पर रिजर्व कंपनी के बढ़ रही है डेट की बात करें थोड़ा सा ही डेट है और यहाँ पर कंपनी के पास रिजर्व अच्छे खासे वर्किंग प्रोग्रेस में पैसे है और तीन हजार आठ सौ छियालीस करोड़ के तो कैश पड़ा हुआ है और यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज बनी हुई है एफ आई एस की बनी हुई है डी आई एस की बनी है पब्लिक की बात करें पब्लिक से हिस्सेदारी अब देखिए अभी तो बढ़ रही है बट धीरे धीरे कम होती जाएगी क्यों क्योंकि यहाँ पर अभी ये शेयर भागते हुए नजर आएंगे तो अगर हम यहाँ पर देखें इस पर्टिकुलर शेयर को तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी गिरावट हुई है शेयर पिछले एक से दो साल य पर चले नहीं है तो ये सारी चीजें माइंड में रखने के बाद अगर यहाँ पर जैसे इन्फ्लेशन कम होता है थोड़ा सा टाइम वो शायद यहाँ पर लग सकता है तीन महीने छह महीने बट जब ये शेयर भागना शुरू करेगा तो यही शेयर है जो बोनस भी देगा सब चीज यहाँ पर मिलती हुई आपको नजर आएगी और ये शेयर आपको मल्टी बैगर रिटर्न साथ में यहाँ पर देता हुआ नजर आएगा तो ऐसे शेयर पे आपको यहाँ पर ध्यान देना है बाई भी आता रहता है ओके इसके अलावा हम बात करें मर्जर भी होता रहता है डिविडेंड भी आता रहता है सब चीज यहाँ पर टाइम टू टाइम मिलता रहता है तो ये शेयर मल्टी आपके लिए साबित हो सकता है अब बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस और चार्ट की तो देखिए बार बार इस तरीके का यहाँ पर ये जो एक राइजिंग वेव बनता हुआ नजर आ रहा है एक चैनल अब शेयर यहाँ पर नीचे आने के बाद शायद हो सकता है कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर लाइन जब तक यहाँ पर सेफ है सेफ है ओके नीचे सपोर्ट की बात करें इक्कीसो का बहुत अच्छा यहाँ पर सपोर्ट नजर आता है जो कि पर 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 इसने रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट किया किया इसके बाद ऊपर ऊपर की बात करें यहाँ पर को बार बार सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर देखिए ये रजिस्टेंस ये दो तीन और अगर इस बार यहाँ पर इसने क्रॉस कर दिया तो ऑलरेडी ये शेयर अट्ठाईसो के आसपास जाएगा और अट्ठाइस के पास जाने के बाद यहाँ पर और भी तेजी होती नजर आएगी और ये शेयर यहाँ पर पैंतीस और चार जाने की इस बार पूरी

दूसरे शेयर की बात करें तो दूसरे शेयर में मैंने यहाँ पर चूज किया है आई जी एल गैस लिमिटेड जैसे यहाँ पर हमने देखा है हिंदुस्तान यूनिलीवर में प्राइस हाइक हुआ है इसी तरीके से हम बात करें इंद्रप्रस्थ गैस में तो इसमें भी प्राइस हाइक हुआ है ओके और बात करें कॉम्पिटिटर की तो कोई कॉम्पिटिटर नजर नहीं आता क्यों नजर नहीं आता तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आई जी एल आई जी यहाँ पर मोस्टली दिल्ली में यहां पर नजर आता है ओके दिल्ली में पूरा प्रभुत्व इनका है एमजीएल की बात करें एमजीएल जी प्लेसेस लाइक महाराष्ट्र में नजर आता है तो ये सारी चीजें इसमें एक मोनोपोली भी क्रिएट करती है अपने अपने बट बीच बीच में आई ओ यहाँ पर दूसरे यहाँ पर अगर बात करें वो भी यहाँ पर इनकी गैस वगैरह प्रोवाइड करते हुए नजर आते हैं और जिस तरीके से रेपिडली ये यह यहाँ पर घर होम टू होम यहाँ पर गैस प्रोवाइड कर रहे हैं तो याद रखिए ये शेयर दोबारा भागता हुआ नजर आएगा और आई की अगर हम बात करें तो देखिये लगातार ये भी शेयर की अगर यहाँ पर देखते हैं तो इस शेयर ने भी यहाँ पर कुछ भी रिटर्न आपको देते हुए नजर नहीं आया बल्कि यहाँ पर एक साल की परफॉर्मेंस की बात करें तो यह शेयर अच्छा खासा यहाँ पर गिरता हुआ सैतीस से चालीस परसेंट अभी भी गिरा हुआ है फाइव ईयर्स की बात करें फाइव ईयर में रिटर्न मिल है, परसेंट के बट अगर हम देखे तो शेयर अच्छे खासे रिटर्न देने के बाद लगातार गिरावट तो मैक्सिम चार्ट पैटर्न देखिए इस तरह की गिरावट बार बार हुई है बट जब अभी इस तरह की गिरावट हुई है एक मौका मिला है और उस मौके पर जिसने यहाँ पर चौका मारा है अच्छे खासे रिटर्न बनते हुए नजर आया तो इस शेयर पर आप बिलीव कर सकते हैं मल्टीपैगर रिटर्न इस ऑलरेडी ये शेयर यहाँ पर दे चुका है और यहाँ पर रिजल्ट की बात करें कंपनी लगातार अच्छे खासे रिजल्ट दे रहा है एक अच्छे खासे मार्जिन यहाँ पर प्रोवाइड हो रहे है अभी तक अच्छे खासे मार्जिन थे आने वाले टाइम में एक से दो क्वार्टर जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और थोड़ा सा यहाँ पर इन, इन्फ्लेशन की वजह से मार्जिन पर इफेक्ट आ सकता है बट जैसे ही यहाँ पर दो तीन क्वार्टर यहाँ पर निकलेंगे तो अगली साल तक ये शेयर यहाँ पर आपको भागता हुआ नजर आएगा और अच्छे खासे रिटर्न देता हुआ नजर आएगा और ऑलरेडी कंपनी के अगर बात करें प्रोमोटर्स बने हुए हैं एफ बने हुए हैं डीआईज बने हुए हैं गवर्नमेंट बनी हुई है पब्लिक की बात करें पब्लिक में भी यहाँ पर बना हुआ है एच लाइफ ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वार्टर में वन परसेंट की होल्डिंग दी है तो ये सारी चीजें बताती है कि शेयर अच्छा है ऊपर अब इसके चार्ट की बात करते हैं चार्ट में देखिए ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है तीन सौ सत्तानवे और चार सौ रुपए के आसपास का ओके ये यहाँ पर इसने निकाल दिया तो शेयर में तेजी होगी जो पांच सौ रुपए तक इसे इजीली यहाँ पर लेके जाएगी और ये भी अगर ये पर्टिकुलर पांच सौ तेरह का लेवल निकाला तो इसके बाद पांच सौ अट्ठानवे का लेवल इसका पक्का है और जिस तरह की गिरावट हुई है और एक कंसोलिडेशन फेज में ये लगातार चल रहा है तो जब भी हमने देखा है कि जब भी एक या तो कंसोलिडेशन फेज में जाता है तो थोड़े से कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर भागता हुआ नजर आता है शेयर अगेन अच्छे खास रिटर्न देने के बाद कंसोलिडेशन फेज में और जब भागेगा

बता दिया आपको यहां पर लॉन्ग टर्म का व्यू भी इसके अलावा हम बात करते हैं एक और शेयर की जो कि लास्ट बट नॉट लिस्ट है इसका नाम है एच डी एफ सी एम सी एच डी एफ सी मैनेजमेंट कंपनी आपको बताइए क्या बिजनेस है म्यूचुअल फंड का बिजनेस है अभी तक दो यहाँ पर मार्केट अगर हम बात करें एच डी एफ सी की तो लगातार ये शेयर गिरता हुआ नजर आ रहा था क्योंकि डायरेक्ट पैसा आ रहा था मार्केट में लोग डायरेक्ट पैसा लगा रहे थे बट अगर आप देखेंगे पिछले पर मैं आपको आ, कुछ, आ, का आपको कुछ और का दिखाऊं तो आपको पता चलेगी कि, कि कितने सारे पैसे यहाँ पर मार्केट में लगते हुए नजर आए लगभग दो लाख करोड़ रुपए यहाँ पर मार्केट में विद इन ऑल अगर बात करें कुछ महीनों में यहाँ पर लगते हुए नजर आए तो ये एक छोटी अमाउंट नहीं है एक बहुत बड़ी अमाउंट है तो इस चीज को आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा यहाँ पर कर लीजिए ये पैसा कोई पर्टिकुलर कंपनी का नहीं है ये लोगों का है ओके और जब यहाँ पर ये ये सब लोग वेट कर रहे हैं जैसी मार्केट में तेजी होगी तो ये शेयर भी भागता हुआ नजर आएगा जब ये शेयर भागता हुआ नजर आएगा एच डी एफ सी एमसी ओके okay, तो अच्छे खासे मिलेंगे और करेक्ट हो गई है, यहाँ पर है तो, तो है, है तो यहाँ पर, डिसेंडेंट यहाँ पर चैनल कहते हैं गिरावट के बाद जब ये भागता है तो याद रखिए अच्छी खासी तेजी होती हुई नजर आएगी दोबारा ये अड़तीस का लेवल भी टच करेगा और आने वाले टाइम में ये और भी यहाँ पर शेयर भागता हुआ नजर आएगा थोड़ा सा पेशेंस के साथ यहाँ पर वेट करना होगा रेजिस्टेंस की और सपोर्ट की बात कर लेते हैं दो बार यहाँ पर इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है जब तक ये लाइन इसकी इंटेक्ट है सत्रह सौ की ठीक है अगर सत्रह सौ का लेवल तोड़ा तो यह शेयर फिर गिरता हुआ नजर आएगा और जहां तक है ये फिर बारह सौ और तेरह सौ का लेवल को भी यहाँ पर टच कर सकता है और शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो पंद्रह सौ सोलह साठ रुपए का लेवल टच कर सकता है बट लॉन्ग टर्म की विजन से बात करूँ तो ये अगर भागना शुरू किया और रेजिस्टेंस 1945 को यहाँ पर इसने तोड़ा तो याद रखिए एक तेजी होती हुई नजर आएगी जो इसे सीधे 2400 चौबीस तो से बाद धीरे धीरे यहाँ पर लेके हो जाएगी जैसे तरीके से यहाँ पर गिरावट हुई है ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर गिरावट होती नजर आई है किस वे में गिरावट हुई है ये गिरावट हुई है राउंडिंग टॉप और जब ये राउंडिंग बॉटम बना के चीजें निकलेगी तो अच्छे खासे तेजी होगी जब मार्केट में तेजी होगी तो याद रखिए गिरावट कम टाइम की होती है बट तेजी लंबे टाइम की होती है तो इस चीज को माइंड में रख के काम करेंगे अच्छा पैसा बनेगा और जिस तरीके से इनफ्लोज आए हैं तो ये सारी इंडिकेशन कर रही है कि थोड़ा सा प्रेशर शायद यहाँ पर थोड़ा सा रहे ओके जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मार्जिन जो कि धीरे धीरे यहाँ पर और बढ़ते हुए नजर आ, सक, आ सकते हैं और जब ये शेयर भागता हुआ नजर आएगा तो अच्छे खासे रिटर्न बनेंगे देखिए की की हिस्सेदारी 68% है हालांकि बेचते हुए हुए नजर बीच में एज इट इज बने पब्लिक के पास भी थोड़ी सी हिस्सेदारी है ज्यादा हिस्सेदारी नहीं है तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना कमेंट करना शेयर करना और इन सेक्टर की तरफ और इनके पीयर्स कंपनी की तरफ भी नजर रखना क्योंकि तो वहां भी अच्छे रिटर्न बनते हुए नजर आएंगे सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस